क्रांति और मैं हूँ राजकुमार सोनी। संसार क्रांति की टीम आज पीलू खेड़ा के ग्रीन वैली फैमिली रेस्टोरेंट में मौजूद है। यहाँ पर दिव्या समाज समिति की तरफ से एक फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसकी संचालक सोनिया बोरा भी हैं। यहाँ पर पद्मा सिंगला जिला पार्षद चेयरमैन मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार जो कैंप लगाए गए हैं, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को इस चीज़ का अच्छा लाभ मिलता है, तो उस लाभ के अंदर जिला पार्षद चेयरमैन होने के नाते किस प्रकार का इनका योगदान रहता है, तो मैं पद्मा सिंगला से जानना चाहूँगा कि मैडम, संसार क्रांति में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। मैडम बताइए कि जिस प्रकार ये जो फ्री चेकअप कैंप लगाए गए हैं, देखते हैं कि शहरों में जब कोई मरीज जाता है वहाँ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की एक पर्ची लगाई जाती है। यहाँ सोनिया मैडम काफ़ी समय से जो है उत्साहित कार्य करती आई रही है, कभी सिलाई सेंटर के, कभी रक्तदान के, कभी इस तरह के मतलब आयोजन करती रहती है, तो क्या इस प्रकार के आयोजनों में सरकार का या आप जिला पार्षद चेयरमैन हैं वो किसी प्रकार का योगदान रहता है? जी, मैं आपको सबसे पहले तो मैं जो हमारी सोनिया प्रधान है दिव्या वेलफेयर सोसाइटी की, इसको बधाई देती हूँ कि इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के लिए यह बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण कैंप है। यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया है और एक्सपीरियंस डॉक्टर आए हुए हैं, तो हम तो कहते हैं कि हमारी जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे और समय समय पर इनकी मदद करते रहेंगे। इनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, जिस तरह ये जो कैंप लगाते हैं, कभी आइस कैंप है, कभी ब्लड डोनेट है, कभी बॉडी चेकअप है, तो क्या इस प्रकार के कैंप जरूरी भी हो चुके हैं समाज के लिए? बहुत ज़रूरी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कई बार गरीब लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और जो ये फ्री कैंप लगाते हैं इनमें जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, जिनको जो गरीब लोग होते हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। और मैं तो कहूँगी, और वो कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, गरीब महिलाएं होती हैं, वो व्हीकल के द्वारा कहीं जा नहीं सकती, तो जिस गांव में जिस जगह पर ये कैंप लगता है उसका उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है और बहुत लाभ होता है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया बहन जी का। तो ब्रह्मा सिंगला ने कहा कि इस प्रकार के कैंप बहुत ज़रूरी है लगने, जहां लोगों को फायदा मिलता है, तो इस आयोजन के आयोजित जो हैं सोनिया बोरा, ये लगातार अपने जिन जिले में या बाहर के क्षेत्रों में जाकर के अपने तरह तरह के जो कैंप लगाते हैं, तो मैं सोनिया मैडम से जानना चाहूँगा, मैडम बताइएगा आप जो आप इस प्रकार के जो कैंप लगाते हैं, आप एक सराहनीय काम समाज के अंदर कर रहे हैं, तो इसमें क्या बताएंगे आपको कितना फायदा होता है? सर, मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं, मुझे खुशी होती है कि अगर हमारे कैंप के थ्रू किसी का अगर बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे साथ साथ मेरे पूरे स्टाफ को लिए, क्योंकि मेरा स्टाफ भी इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करता है सर, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगवाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की सुविधा दी जाए, तो इसीलिए सर हम हर जगह पे अलग अलग तरह के कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं। आखिर मैडम आप ये बताइए, आपको इस प्रकार के जो कैंपों का जो आयोजन करते हैं जी, तो इस प्रकार की जो प्रेरणाएं हैं या लोगों को जो फायदा है, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी आप बताएं, आपको क्यों लग रहा है कि इस प्रकार के कैंपों का आयोजन करना बहुत आवश्यक होता है? क्योंकि सर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मुझे मेरे आगे ये चीज़ें आती रहती हैं जो कि लोग इस चीज़ से वंचित हैं, जिनको नहीं पता है कि क्या होना चाहिए। कई बार सर घरों की हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग पेमेंट ज़्यादा लगने के कारण, फीस के कारण क्या है कि अपनी बीमारियों को छोटी मोटी दवाई लेके ही ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सर कि अगर इस चीज़ से बाहर निकल के वो इस फीस से बाहर निकलते हुए वो फ्री चेकअप आए, अपना टेस्ट करवाएं और अपनी शरीर के प्रति अपनी बीमारियों को दूर करें सर। तो बहुत अच्छे नेक विचार थे इनके। इस आयोजन में जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके दिया, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी का चेकअप किया, जगदम्बा हेल्थ सेंटर
के जो डॉक्टर हैं संजय कुमार जी, मैं उनसे थोड़ा जानना चाहूँगा। डॉक्टर, आपने ग्रीन वैली फैमिली रेस्टोरेंट में एक जो आयोजन किया गया है दिव्या समाज समिति के द्वारा, तो आपने जितने जो चेकअप किए हैं, क्या ये आप फ्री करते हैं? हाँ सर, ये सम्मेलन के तहत जो हम आज जांच शिविर में आए हुए हैं, इसमें हमने फ्री चेकअप किया है मरीजों का, और इसमें हमने फ्री चेकअप के अलावा जो आयुर्वेदिक दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं, उसमें भी हमने अच्छे मार्जिन के साथ लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है। तो यहाँ ज़रूरतमंद को हमने कुछ को फ्री भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, तो जितना हमसे बन सका हमने अपनी तरफ से विशेष योगदान रखा है सर। तो कितने सुबह से अब तक कितने लोगों ने अपना चेकअप करवाया है और किस प्रकार के मरीजों से आपका जो ना वास्ता पड़ा है थोड़ा सा, और कैसे लोगों ने जो ना मरीजों ने आप जो ना उत्सुकता दिखाई है थोड़ा इसके बारे में? जिस सुबह से अभी तक हम 50+ मरीजों को देख चुके हैं, और इसमें अलग अलग तरह की जैसे जोड़ों की बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी है, और मोटापे से संबंधित बीमारी है, एलर्जी है विभिन्न प्रकार की, तो उनका भी हमने देसी तरीके से लोगों का इलाज किया। तो जो आप तरह तरह के जो क्षेत्र में घूमे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित एक बात मैं पूछना चाहूँगा, तो किस प्रकार का जो रोग है, बीमारी है, हर कहीं कैंसर है, तो कहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में किस प्रकार की बीमारियों का ज़्यादा फैलाव है, क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं दो ही कैटेगरी में जो मेरे सामने आई हैं कि एक तो ये है कि लाइफस्टाइल से संबंधित, जैसे आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंटरी टाइप होता गया है, यानी यूँ ही मानिए कि भाई वर्क जो है वो लोग नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लाइफस्टाइल लेजी हो गया है, और उस वजह से मोटापा है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, और जो डाइजेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, यानी पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो लोगों में हो गई हैं। क्योंकि पाचन तंत्र अगर ठीक नहीं है तो उसी से संबंधित स्किन की प्रॉब्लम हो जाना, मोटापा हो जाना, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सभी बीमारियाँ इसी डिस्टर्बेंस से पनपती हैं। तो इसके लिए भी यही है कि पहले तो अपने लाइफस्टाइल को, और फिर ये है कि जी पोल्यूशन इसमें काफ़ी हद तक मतलब जो है अहम रोल रखता है, तो पोल्यूशन से भी मतलब जो है लोगों को बच के रहना चाहिए। डॉक्टर सिंह जी का कहना है कि जो पोल्यूशन तो फैला हुआ है, इससे ही अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, आदमी को अपने पाचन क्रिया पर जो ना ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसी से संबंधित जो है किसी एक बुजुर्ग से पूछना चाहूँगा कि आप शिविर में जो आए हैं, शिविर में आपको किस प्रकार की जानकारियाँ यहाँ मिली है और आपको किस प्रकार का फायदा हुआ? क्या नाम आपका? मोहम्मद है जी। मोहम्मद है, जो ये कैंप जो लगे है, आपने किस प्रकार का यहाँ फायदा लगा है और आपने क्या महसूस किया है, क्या इस प्रकार के कैंप लगने चाहिए, तो क्या पहले बताइएगा आपको क्या चाहिए? जी फायदा बनेगा जी, दवाई मिल जाएगी, लगने चाहिए कैंप लगने चाहिए। तो क्षेत्र में सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, तो वहाँ की अपेक्षा आपने जो यहाँ चेकअप करवाया है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये बहुत अच्छा काम है जी, बहुत बढ़िया, पता लग जाएगा हमारे वर्गियाँ ने तकलीफ है क्या ना है। तो ये थे दिव्या समाज समिति की तरफ से लगाया हुआ कैंप, और मैं हूँ राजकुमार सोनी, आप निरंतर देखते रहिए संसार क्रांति।